ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग्स का मतलब ये होता है, इसको हम ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली, वेब ब्लॉग को ब्लॉग कहते हैं। एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एडिटोरियल लिखा जाता है, या कोई राइटर का एक कॉलम होता है, वो राइटर हमेशा उसमें लिखता है, लोग उसे पढ़ते हैं। अब जब इंटरनेट का माध्यम आ गया तो वही चीज इंटरनेट पे जो लोग न्यूज़पेपर में लिखते थे या किसी मैगजीन में लिखते थे, अपना एक एक पार्ट होता था वहां पर वो लिखते थे, यू वही अब ब्लॉग हो गया। तो ब्लॉग एक तरीके से एक वेबसाइट है या वेब पेज है, बाकी जैसे हैं बाकी उनकी तरह, लेकिन यहां पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, इंसान हो सकता है, या ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं जो अपनी हॉबी, इंटरेस्ट, कमेंट्रीज, फोटो ब्लॉग्स, ये सब शेयर कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के इन ब्लॉगिंग को ही नाम दे के, आपने देखा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब इतने प्रचलन में आए क्योंकि आप इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, अपनी फोटो देते हैं, तो फोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, और लोग उसे पसंद करते हैं, लोग ना पसंद करते हैं, लोग उस पर कॉमेंट करते हैं, तो ये अपनी चीजें शेयर करने का एक माध्यम है। तो ब्लॉग शुरू हुआ था एक तरीके से पर्सनल डायरीज, कोई अपनी चीजें बताना चाहता है, लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से आ गई है, उसको फिर बिजनेस ने ले लिया, और ये एक तरीके से कस्टमर को रिझाने का, कस्टमर से बात करने का और क्लाइंट को अपने तरफ खींचने का मेथड बन गया। ब्लॉग्स केवल अब पर्सनली नहीं रह गया है, ये अब कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो गया है। तो कोई भी ब्लॉग कर सकता है, कोई भी ब्लॉगिंग कर सकता है, उसमें एडवर्टीजमेंट हो सकता है उनके ब्लॉग पेजेस पे। अगर मान लीजिए कोई फेमस आदमी है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, और अमिताभ बच्चन साहब का खुद का ब्लॉग है, अब सोचिए अपने अमिताभ बच्चन साहब के ब्लॉग को कौन कौन पढ़ता होगा। अब उनके यहां पर और यहां पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो कितने लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये कमर्शियल पर्सनल के अलावा कमर्शियल भी यूज हो सकता है इसका, राइट? और कई लोग इससे इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी चीज लिखते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, लोगों को पसंद है, तो लोग उस पर जाएंगे, और लोग उस पर जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट के उनको पैसे मिलेंगे। इसलिए इतना ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से मैक्रो मैक्रो मतलब मैं बड़ा रूप कह रहा हूं, जैसे फेसबुक है आपका, ये इंस्टाग्राम है, ये इसका एक पार्ट अगर आप देखें तो वो ब्लॉगिंग भी है, क्योंकि आप अपनी चीजें जो बता रहे हैं लोगों से पसंद कर रहे हैं। आप देखिए जो तो फेमस पर्सनालिटी है उनके कितने फेसबुक फॉलोअर्स होते हैं, उनके कितने ट्विटर फॉलोअर्स होते हैं, कोई आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, तो आप अपने आप अपनी चीजें बता रहे हैं, आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, आज मैं वहां गया, वो सब चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। एक और तरीका है ब्लॉग को पॉपुलर करने का, पॉपुलराइज करने का, उसमें आप कॉमेंट देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कोई एक बहुत बड़ा इंसान है, वो अपनी बातें रखता है, लोग उसे बड़े पसंद करते हैं, तो YouTube में अगर वो अपने वीडियो पोस्ट करता है, नीचे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा, ऐसे करना, वैसे करना, बहुत ये और डालिए, तो उससे वो प्रेरणा लेके और करता है, तो जितने लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग आएंगे, उतना ज्यादा उसकी इनकम जनरेट होती है। यही ब्लॉग्स के साथ है। तो अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करना चाहें, इसमें इंटरेस्टेड है आप, तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं आप, एक तो फ्री ब्लॉग होस्टिंग है, एक पेड ब्लॉगिंग है। इसमें फ्री ब्लॉग होस्टिंग में अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत ही अच्छे वर्डप्रेस जो ऑप्शन है, तो आपको कोई जगह खरीदनी पर नहीं पड़ती आपको कोई, क्योंकि हमको डोमेन नेम भी चाहिए, हमको वो स्पेस भी चाहिए अपने पेज रखने के लिए, वो रखने की इसमें जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको वर्डप्रेस वगैरह ये सब फ्री देते हैं, ओपन सोर्स ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको ये देते हैं, बदले में इनको भी कुछ रेवेन्यू जनरेट होता ही है, लेकिन ये आपको फ्री देते हैं। अब पेड ब्लॉगिंग की बात करें तो पेड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में यह है कि अब यहां पर ये पेड है, आपको जगह लेनी पड़ेगी, अपना उसका नाम प्रॉपर लेना पड़ेगा अपने ब्लॉग का, और उसके बाद आप उसकी जगह का पेमेंट करेंगे और अपनी पेड ब्लॉगिंग करेंगे वहां पर। तो ब्लॉग किस किस टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग हैं यहां पर, लेकिन उनको अगर मेनली कैटेगराइज करने की बात हो तो कुछ में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, केवल ये नहीं कि इसी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल ब्लॉग्स है, अमिताभ बच्चन का अगर ब्लॉग देखें तो पर्सनल ब्लॉग हो गया, शाहरुख खान का देखें तो आपका पर्सनल ब्लॉग हो गया, न्यूज एंड व्यूज, मान लीजिए एनडीटीवी चैनल है, जी न्यूज है, इनके अपने अपना एक ब्लॉग है, कंपनी का ब्लॉग, जैसे कोई कंपनी है, इंफोसिस कोई कंपनी है, उसने अपना ब्लॉग लिख रखा है, जो लोग उस कंपनी से रिलेटेड है या उससे मादा रखते हैं किसी तरीके से उससे रिलेटेड है, तो उसके ब्लॉग को फॉलो करते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग भी होती है, बहुत छोटी ब्लॉगिंग, जिसे बहुत ही छोटे लेवल पे जो ब्लॉगिंग होती है उसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं।
तो पर्सनल ब्लॉगिंग क्या होती है, बड़ा पॉपुलर है ये पर्सनल ब्लॉग। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो उनका एक पहुंचने का तरीका है लोगों में, अपनी थॉट्स देते हैं, अपने विचार देते हैं। जैसे बाई चांस देश में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, तो अगर वो ट्विटर पे जाएंगे तो उनके पास 140 कैरेक्टर्स हैं, पहले तो इससे भी कम थे, अब वो 140 कैरेक्टर में अपनी बात नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वो ब्लॉग पे जाएंगे और वो ब्लॉग पे अपनी बात कहेंगे, लंबी चौड़ी बात कह सकते हैं, वो अपने दिल के जो भाव है वो आपके सामने रख सकते हैं। तो अपनी स्टोरी रख सकते हैं, कोई ट्रैवलर है बहुत लोग पसंद करते हैं, कोई खाने वाला, कोई खाना बनाने वाला है जो अच्छी अच्छी रेसिपीज दे रहा है, तो वो ब्लॉगिंग कर सकता है। ऐसे न्यूज एंड व्यूज है, जैसे मैंने कहा कि बीबीसी है या इंडियन चैनल कोई ले लें आप, तो इन सब के अपने अपने ब्लॉगर्स हैं, और वो क्योंकि जर्नलिस्ट जब चैनल पे होते हैं तो वो एक प्रोग्राम के तहत बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको अपना खुद का व्यू देना होता है तो वो कैसे देंगे, वो न्यूज और व्यूज के थ्रू देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर एक न्यूज में एक होता है कि देखिए साहब ये एक्स बहुत एक रिपोर्टर बहुत फेमस है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, वाई एक रिपोर्टर बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, या एडिटर है कोई, वो अपने इस तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कंपनी का ब्लॉग है, कई कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स और कस्टमर को रिझाने के लिए, उनको उनके साथ एक रिश्ता कायम रखने के लिए, नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, किसी प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट है उस पर काम करने के लिए, या फिर हायर करने के लिए, ये भी हो सकता है, कंपनी अपनी ब्लॉग्स चलाती है। फिर माइक्रो ब्लॉग्स है, माइक्रो ब्लॉग्स ये बड़ा नया टाइप का है, इसमें बड़े शॉर्ट कमेंट होते हैं। जैसे आप कहेंगे कि जो ट्विटर है, सबको ट्विटर पता होगा, मुझे पूरा यकीन है, वो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। मतलब मैंने जैसे बताया कुछ कैरेक्टर उसमें डाल सकते हैं, बहुत कम कैरेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे राष्ट्रपति है आपके इधर के यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप, उनका सारा कैंपेन वो जीते ही ट्विटर से, उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों ने उन्हें पसंद किया, लोग उसकी तरफ गए, और उन्होंने जो जो चीज कही लोगों से उन्होंने रिलेट किया, और फिर वो आज भी अपनी जो सरकार है वो पूरी तरीके से ट्विटर पे चलाते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपनी बात ट्विटर पे रखते हैं, और इसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। ट्विटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ब्लॉगर्स, ब्लॉगर का मतलब ये होता है कि आज कोई भी पेन उठा के अगर लिखे और वो छपवाए तो कितने लोग उसे पढ़ेंगे, और वही अगर वो वेबसाइट के रूप में रख दे आपके मोबाइल में, देखिए आपका मोबाइल जो है वो अब आपके, मतलब लोग आपके घर में पहुंच चुके हैं, सारी दुनिया आपके घर में बैठी हुई। कैसे? आपके पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, और इंटरनेट से कोई भी कहीं भी किसी जगह भी पहुंच सकता है। तो जो ब्लॉग लिखता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं, और ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इसके तरह वहां पर हम अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई ब्लॉगिंग की है, या तो आप ना एक फेसबुक पे पेज बना लीजिए, लोगों को कहिए कि लाइक करिए, फिर धीरे 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 आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी और लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तभी ये होगा। या अपनी, जैसे आपका कोई कॉलेज है, अपने कॉलेज का एक फेसबुक पेज बना दीजिए, लोग उस पर आएंगे, एलुमनाई आएंगे, अपनी अपनी चीजें शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो एक तरीके से जुड़ाव होता है। तो अगर आप अच्छे ब्लॉगर हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं अच्छा ब्लॉगर बन सकता हूं, तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि मीनिंगफुल कंटेंट लिखिए जो अलग हो, अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। अगर आप एक ही ढर्रे पे चलेंगे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर इस जगह पे इंटरनेट पे कोई भी थम्स अनलाइक करने के लिए पहले तैयार रहता है। उसका उसका जो बटन, उसका जो माउस क्लिक है, वो अनलाइक पे रहता है। जैसी अगर आपने कुछ स्पेशल दे दिया तब वो लाइक पे जाता है। कोई भी आपकी चीजें पढ़ता है, बहुत मुश्किल है कि वो लाइक करे, क्योंकि वो क्यों लाइक करेगा आपको जब तक आप कुछ स्पेशल नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनैलिटी आप में है तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। और बाय चांस आपको लोग फॉलो कर रहे हो, आपने कुछ गलत चीज दे दी, ऐसी कोई चीज दे दी जो गलत हो गई, ऐसी किसी चीज पे कमेंट कर दिया जो गलत हो गया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी उसी दिन डाउन हो जाएगी, उसी दिन। बोरिंग मत बनाइए, कोई क्लीशेस मत डालिए, ऐसी कोई चीज मत डालिए जो, जैसे क्लीशे में बात कर रहा हूं, ऐसी कोई चीज मत डालिए जो लोगों को थोड़ा सा बुरी लगे या लोग उसे ना पसंद करें। और कोई ऐसे जो मैटर है, सीरियस मैटर को इस तरीके से लीजिए कि वो, क्योंकि जिसे कहते हैं ना संवेदनशील जो चीज होती है,
उसको उसको टच कर रहेंगे, अगर आप आपका विचार है, ओपिनियन है, तो इस तरीके से रखिए कि लोग अनहैप्पी ना हो, लोग आपकी बात को समझें, ना कि आपकी बात को रिएक्ट करें बल्कि प्रोएक्ट करें। देखिए, कोई टॉपिक अगर आपका है और आप उस पर अपनी चीजें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आप डोनाल्ड ट्रंप हैं और आप कोई चीज लिख रहे हैं और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो लोग उसे बिल्कुल माइंड करेंगे, क्योंकि इतने बड़े आदमी से कोई स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बड़े बहुत बड़े आदमी है और वो पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता है, क्योंकि अमेरिका के जो भी नेता होते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पहले बराक ओबामा हो, वो एक तरीके से गाइड करते हैं पूरे विश्व को। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आपकी चीजें पब्लिश करने से पहले आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपको खुश करनी चाहिए, लोग को परेशान ना करें। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोई हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। पता चला कि आपने टाइटल ऐसा दे दिया, हेडलाइन ऐसा दे दिया कि लोगों को आपने टेम्प्ट कर लिया, लोगों को खींच लिया, और अंदर कॉन्टेंट आपने खराब डाला हुआ है, तो लोग कभी नहीं आएंगे आपके पास। लोग एक बार आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। तो अगर आपको लोगों को कैच करना है, अच्छी लाइन लिखिए और अच्छा कंटेंट डालिए। ब्लॉगिंग के फायदे क्या है? हम ब्लॉग पे कभी भी काम कर सकते हैं। अगर आप कोई बहामाज में अपने हॉलिडे मना रहे हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। आपको केवल एक लैपटॉप चाहिए और आपको केवल इंटरनेट सर्विस चाहिए। आप खुद के एम्प्लॉई हैं, कभी भी किसी समय कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। रात के 2 बजे भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड को, इंसानियत को फायदा पहुंचाए, किसी की परेशानी को, किसी की दिक्कत को सॉल्व करे, ऐसी चीज लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। टेक्निकल नॉलेज डालेंगे। अगर टेक्निकल आपने ब्लॉगिंग शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल चीज अच्छी तरीके से नहीं बताई, कि लोग पसंद नहीं करते, लोग अगर बूथ एल्गोरिथम समझना चाहते हैं, लोग अगर मल्टीप्लेक्सर या कोडर समझना चाहते हैं, तो वो उस वेबसाइट पे जाएंगे जहां पर मल्टीप्लेक्सर समझाया हुआ है। वो आपके ब्लॉग पे जहां पर वो आनंद के लिए आते हैं, वहां वो समझना नहीं चाहेंगे उस चीज को। ध्यान रखिएगा कि नए नए पोस्ट डालिए। अगर आपने कई दिनों से अपडेट नहीं किया है तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप यूट्यूब की बात करते हैं, भुवन बाम है, वो इंडिया के टॉप मोस्ट भुवन बाम जो है नंबर 1 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन उनके वीडियो जो है वो 2-2, 3-3 महीने में आते हैं, बहुत बहुत धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। उनको हिंदुस्तान, उनको पाकिस्तान, उनको बांग्लादेश, तीनों देश से इतने हिट्स मिलते हैं कि आज वो हाईएस्ट लेवल पे है। डिसएडवांटेज क्या है? अब कोई चीज देखिए, एक कॉइन होता है, दोनों साइड होते हैं उसके। जरूरी मत समझिए कि ब्लॉगिंग के फायदे ही फायदे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इससे अपनी जीविका चलाना चाहते हैं तो एक दिन में नहीं चला पाएंगे, आप हो सकता है कभी भी ना चला पाए। कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, कई ऐसे जो ब्लॉग लिखते हैं, उनको कोई भी देखने वाला नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग टाइम कंज्यूमिंग है, डिसिप्लिन चाहिए, और आपको वाकई में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हैं तभी इस काम में जाइए, अगर आप अच्छे नहीं है तो आपको, देखिए इंसान को अपने से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं, मेरे में क्या कमियां है, क्या अच्छाई है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज हो गई कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप फॉलोअर्स लूज कर जाएंगे, राइट? अपनी लैंग्वेज अगर आपने गलत ही गलत कर दी, या कोई अभद्रता का इस्तेमाल कर लिया, या आप जानते हैं कि किसी देश में कुछ किसी बात पे बवाल हो सकता है, उस पर आपने अपने केवल फॉलोअर्स लाने के लिए या लोग को हिट करने के लिए आपने कुछ ऐसी चीज डाल दी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ जाएगा, और आपके ऊपर भी, क्योंकि लोग तो इमोशनल होते हैं। कई चीजें आपकी पसंद नहीं आई तो आपके, मतलब मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। और बहुत सारे डल ब्लॉग्स भी है, जैसे मैंने कहा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं रीड करना चाहते, तो कुछ जो चीज रीड करना चाहेंगे वो देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, आपको कम से कम 10 से 20 या 100 वीडियो ऐसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आते हैं, जो आप देखते हो बोलते हैं ये इसमें तो मुझे समझ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता है, फिर आप उसको फॉलो करते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं, तब उसकी मांग बढ़ती है। अगर अच्छी चीज नहीं हो तो कभी नहीं बिकेगी।